मंगल मैथिली स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिविजन वर्क ऑफ शेप्स एंड डिज़ाइंस. सो एज यू नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेप्स, सम आर प्लेन शेप्स एंड सम आर सॉलिड शेप्स. लेट अस स्टार्ट विद प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स क्या होती है? इनका दूसरा नाम होता है आपका 2D शेप्स, यानी कि टू डायमेंशनल शेप्स, जिन्हें कि आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहली जो टू डायमेंशन शेप है, जो पहली प्लेन शेप है, वो है स्क्वायर. और स्क्वायर किस तरीके की है? देखिए, विंडो, ब्रेड, कैरम, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके स्क्वायर शेप के. ओके, सो स्क्वायर शेप की वो एक प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर शेप में चारों साइड्स इक्वल होती हैं. दूसरी प्लेन शेप होती है रेक्टेंगल, जैसे कि आपका मोबाइल होता है, बिस्किट होता है, टीवी होता है. ओके, या एक नोट देखते हैं ना आप, जैसे 10 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? रेक्टेंगल शेप के. और रेक्टेंगल शेप जो है वो आपका, उसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. और रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स. ओके, नाउ थर्ड जो आपका शेप है वो है सर्कल. सर्कल के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि फुल मून हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, कॉइन हो गया. ओके, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है. तो ये आपके एग्जांपल्स थे सर्कल शेप के. नेक्स्ट शेप है आपकी ट्रायंगल. ट्रायंगल, ठीक है, इसमें 3 साइड हैं. बेसिकली ये 3 साइड से मिलकर बनता है. ओके, 3 लाइन से मिलकर बनता है, तो ये आपका ट्रायंगल कहलाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बर्थडे कैप, माउंटेन, चीज. ओके, सभी शेप्स आपकी प्लेन शेप्स थी. अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सम स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड शेप्स आर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन. स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप दैट इज क्यूब. हियर द रेड डॉट डिनोट्स वर्टिसेस, फेस एंड द लाइन्स आर एजेस. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब. सो इन टोटल वी हैव 8 वर्टिसेस इन अ क्यूब, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. अब यहाँ पे देखिए, आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्यूब के, डाइज हो गया. ओके, नेक्स्ट शेप आपकी होती है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है. सिमिलरली जैसे कि क्यूब में था, इसमें भी आपके 6 फेसेस, 8 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस होते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ब्रिक हो गई, आपकी नोटबुक हो गई. ओके, ये एग्जांपल्स होते हैं क्यूबॉइड के. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेप. नेक्स्ट शेप हमारी होती है कोन. कैन यू सी दिस कोन? कोन की 2 फेसेस होती है, जिसमें से कि एक फ्लैट होती है और एक आपकी कर्व्ड फेस होती है. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखिए कोन के, आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे. जैसे कि आपका एक आइसक्रीम कोन होता है, बर्थडे कैप होती है, कैरेट होता है. अगली शेप है आपकी सिलेंडर. सिलेंडर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिलेंडर जो है वो आपकी नॉर्मली जो शेप होती है उसमें 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं और बीच में जो है आपका कर्व्ड एक आपका फेस होता है. ओके, सो दिस इज योर सिलेंडर. नेक्स्ट शेप हमारी जो है वो है स्फेयर. स्फेयर देखिए कैसी होती है. स्फेयर के एग्जांपल्स होते हैं जैसे बॉल हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, आई बॉल हो गया. ओके, और स्फेयर का सिर्फ एक ही फेस होता है जो कि कर्व फेस है, अदरवाइज इसमें एजेस कोई नहीं है और वर्टेक्सेस भी कोई नहीं है. देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फुटबॉल, ग्लोब. ये कंबाइंड एग्जांपल्स दिए गए हैं हर एक शेप के, बेसिकली सॉलिड शेप्स के. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ सॉलिड एंड अ प्लेन शेप. द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन अ पर्टिकुलर सॉलिड शेप विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम्स. So it will make you very clear about these things. So let's start. Start with the first shape, that is cube. You can see here, I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 numbers over here. These 6 numbers represents the faces. ये face represent कर रहे हैं. And one more thing, आप देख सकते हैं कि ये जो cube है, ये जो पर्टिकुलर वन शेप है, ये स्क्वायर से बना है. दैट मीन्स 6 स्क्वायर शेप मेक्स अ क्यूब. नाउ यू कैन सी, सी दिस इज अ क्यूब.
Okay, so the numbers represents the faces. So it has 6 faces. And these lines, ये जो black color की lines draw करी हैं मैम ने, these represents the edges. ये जो lines होती हैं, जो दो squares मिलते हैं ना जहाँ पर, that is your edges. So there are 12 edges. And ये जो corners हैं आपके, ये जो pointed corners हैं, these are vertices. So 1, 2, 3, 4 and 4 base के, that means 8 vertices you have in a cube total. Let's move on to the next shape, that is a cylinder. Now you can see a cylinder is made up of 2 circles and a rectangle. So ये relation है आपके plane shape और solid shape का, कि solid shape जो है it is made up of टाइनी यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट यूनिट्स. तो यहाँ पे जो यूनिट्स या दो शेप से मिलकर बनी है, दैट इज 2 सर्कल्स एंड अ रेक्टेंगल. सो दिस फॉर्म्स योर सिलेंडर. सी दिस इज योर सिलेंड्रिकल शेप. सो इट हैज़ 3 फेसेस, जैसे कि मैम ने नंबर किया था 1 और नीचे का बॉटम 2 और एक ये जो पूरा सर्फेस है. देर आर 3 फेसेस इन अ सिलेंडर. सिमिलरली एज, यहाँ पे प्लेन एज नहीं है, यहाँ पे कर्व्ड एजेस हैं. सो देर आर 2 कर्व्ड एजेस, जहाँ पे ऊपर वाला एक ये है और एक नीचे वाला जो है. सो देर आर 2 एजेस इन अ सिलेंडर. एंड यू कैन सी देर आर नो वर्टिसेस, कहीं पे भी पॉइंटेड एज नहीं है कहीं पे भी. दिस इज राउंड, ये just because I have made it like this, but it is particularly round with no vertex in it. Let's move on to the third shape, that is a cone. Now you can see a cone is made up of a somewhat triangle shape and a circle, and it has only 2 faces, that is one is this and one is this, that means base or side. Now let's make it a cone like this by pulling the strings. So now it is converted into a cone. See, a clear cone from this side. You can see this is the one face and the second face is on the board, and it has a vertex also at the top. Okay, so now move on to the fourth shape, and it is a cuboid. Cuboid is made up of rectangles. You can see the number represent the faces. Ye faces hain 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 faces in a cuboid, and these lines, ye jo maam ne lines khichi hain, these represents the edges. Okay, so there are 12 edges, similarly as we have in cube, and 8 vertices similarly as we have in cube. So they are basically same, but it is made up of square and this is made up of rectangle. So this is the basic relationship between a cube and a cuboid. Now let's make it a cube by pulling the strings. See, so these are the faces, 1, 2, 3, 4, 5, and the below one, that the shape that is the face that is pasted on the board. So there are 6 faces. Okay, now moving on to our last solid shape actually is our sphere. So this is your sphere. It has one face, you can see, with no edges and no vertices. See, I hope you have understood the relationship between plane and solid shapes, and also the number of faces, vertices and edges a particular figure have. Thank you and have a nice day.